जय हिंद बच्चों, अभी क्लास 12 का हम लोग जो चैप्टर 2 है उसका एनसीईआरटी का वो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। मैं अमजद अली आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल में। तो एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 का सॉल्यूशन है फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, 2.1 टोटल 11 क्वेश्चन है एडिशनल को छोड़कर। तो फर्स्ट हम लोग 11 क्वेश्चन को करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो चार्जेज है कितना, 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों एक दूसरे के दूरी पर कितना है, 16 सेंटीमीटर दूर पे है। एट व्हाट पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पोटेंशियल इज जीरो। जो चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रहा है तो किस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा जीरो होगा। हिंदी में देखिए, दो आवेश है जिनका मान 5 × 10⁻⁶ और 10⁻³ × 10⁻⁶ है। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के दूरी पर हैं। दोनों आवेश के सीधी रेखा में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन उनको मिला रहा है, जो रेखा मिला रहा है दोनों आवेश की सीधी रेखा में, किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। तो पहले इसको हम लोग बनाते हैं, पहले इसको फिगर बनाते हैं इसका। ये हो गया बच्चों हमारा Q1, ये हो गया मान लीजिए Q2, ये हमारा स्ट्रेट लाइन इधर भी जा रहा है और ये स्ट्रेट लाइन होगा, यही हमारा सीधी रेखा। दोनों के बीच की दूरी हो गई, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर मानेंगे बच्चों, पहले हम लोग मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी ये हो गई 16 सेंटीमीटर। Q1 और Q2 दोनों कहाँ रखा हुआ है, एक A पे और एक B पे रखा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे पहले मान लेते हैं कि C पर है। C एक बिंदु है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल जीरो हो रहा है, पहले मान लेते हैं C पर। C दोनों के बीच में होगा, या इधर भी होगा या इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो पहले C पर मान लेते हैं, लेट एट C V इक्वल टू जीरो। तो ये दूरी को हमको मानना है, ये मान लेते हैं x, ये दूरी हो जाएगा, जब ये x हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 16 - x हो जाएगा ये वाला। ठीक है, V इक्वल टू जीरो यानी V हमारा क्या होगा, इसके कारण होगा V1 और इसके कारण होगा V2 और दोनों मिलकर होगा जीरो। आ गया समझ में ना, किस बिंदु पर। तो मानते हैं हम लोग किस पे माने हैं, हम लोग माने C एक बिंदु है, C एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल बच्चों क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो C पे जब हमारा पोटेंशियल जीरो होगा तो V इक्वल टू जीरो, भी इसके कारण V1, इसके कारण V2, V1 प्लस V2 बराबर जीरो। अब रखते हैं V1 का वैल्यू, V1 क्या हो गया, K1 बटा ये हो गया x, ये दूरी x। क्या होता है पोटेंशियल का, पहले से आप लोगों को पता है, V बराबर K वो चार्ज बटा दूरी, जितना दूरी पे निकलना है वो दूरी, KQ/R। तो K ये चार्ज बटा R और प्लस KQ2/16 - x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट माने C। अब देखिए Q2 हमारा माइनस में है, Q1 हमारा प्लस में है, तो हम लोग रखेंगे यानी कि KQ1/x इक्वल टू -KQ2/16 - x। K गेट कैंसिल, Q1 का वैल्यू रखते हैं, Q1 हमारा कितना है, 5 × 10⁻⁸ इक्वल्स टू -Q2 - में, तो जो भी पोटेंशियल प्लस या माइनस होता है उसको रखते हैं, तो -3 × 10⁻⁸ / 16 - x। 10⁻⁸ गेट कैंसिल, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 16 - x - प्लस 3 × x, ये हो गया 16 पहले वो 80 -5x इक्वल टू 3x, x को उधर ले जाते हैं तो 80 बराबर हो गया 8x। नाउ 80/8 इक्वल टू x, इट मीन्स x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पहला आया x हमारा Q1 से कितना दूरी पे है बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर पहला एक आंसर आया। अब कहोगे दो आंसर भी हो गया, तो क्यों, हाँ ये हम तो अंदर देखे ना, ये हमारा कहाँ का है, वेन C is inside AB, जब C AB के अंदर रहेगा तब की बात है। ठीक है, हमारा C बाहर भी रह सकता है, तो मान लेते हैं C कहीं यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तब ये दूरी मानेंगे x। तो ये दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, ये पहला आप लोगों को समझ में आ गया, फर्स्ट वन 10 सेंटीमीटर आया। सेकेंड चलते हैं, When C is outside,
जब सी बाहर हो तो ये दूरी मानते हैं एक्स, इतना दूरी मानते हैं एक्स, तो ये दूरी हमारा टोटल हो जाएगा, इससे दूरी हो गया एक्स, तो क्यू टू से हो जाएगा 16 + x हो जाएगा। तो v बराबर v1 + v2 = 0 के ये चार्ज q1 / q2 / 16 + x = 0 सब चीज कॉमन सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाएगा k1 / x, k2 / x ये प्लस हो जाएगा सेकेंड केस में, ये हमारा प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा, यहाँ पे 80 + 5x और ये हो जाएगा 3x, ये उधर जाएगा तो 80 = -2x देन x = -40 सेंटीमीटर। x -40 है मतलब इधर माइनस आ रहा है, मतलब इधर प्लस हो गया, यानी कि इधर कोई 40 सेंटीमीटर, सो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2, इधर से 40 सेंटीमीटर पे जीरो होगा और यहाँ दोनों के बीच में C पर जीरो होगा। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट समझ में, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ऐसे कंप्लीट हुआ। आ जाओ बच्चों 2.2 क्वेश्चन क्या कहता है, एक हेक्सागोन है, देखिए हेक्सागोन है, षटकोण जिसको बोलते हैं, षटकोण यानी कि इसका 6 साइड होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, सभी साइड बच्चों दिया है 10 सेंटीमीटर का, ये भी 10, ठीक है, सेंटर पे बोला है, सभी पे सभी के कोण पे यानी कि सभी वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा गया, कितना था 5 μC था, माइक्रो मैंने जानते हैं आप लोग 5 × 10⁻⁶ का चार्ज रखा गया है। भी एट ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, उस पर हमको पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण इसके सबका निकाल कर 6 को जोड़ देंगे, लेकिन ये दूरी हमको पता होनी चाहिए। देखिए अब आइए, रेगुलर हेक्सागोन होगा तो रेगुलर हेक्सागोन की जब बात करेंगे हम लोग तो ये पूरा एंगल होता है कितना हमारा 120 का, ये भी होगा 120, तो बीच में हमारा ये जा रहा है तो ये हो जाएगा 60, तो ये भी हो जाएगा 60, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तो ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये 10 है तो ये भी 10, तो ये भी 10, यानी कि ये दूरी जो हो गई हमको निकल गई 10 सेंटीमीटर निकल गई, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन में चलेंगे बच्चों तो आर हो गया हमारा r = 10 cm, यानी कि 10/100 1/10 meter आ गया, आर पता लग गया, क्यू पता लग गया, 6 है सबको जोड़ देंगे तो वी बराबर हो गया 6 × KQ/R 6 × 9 × 10⁹9 क्यू है 5 × 10⁻⁶ आर हो गया 1/10। ठीक है, हो गया ना 6 × 5 = 30 3 × 9 = 27 ठीक है, 6 × 5 = 30 3 × 9 = 27 ये हो गया और ये 10 ऊपर गया तो प्लस होगा, × 10⁻⁹ - 6 + 1 तो ये हो गया 4, तो 270 × 10⁻⁹ = 4 ठीक है, बाय 100 करते हैं तो × 100 हो जाएगा, तो यानी कि 2.70 × 10⁻⁶ वोल्ट, 2.7 × 10⁻⁶ आया बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का हो गया आंसर। आ जाओ बच्चों 2.3 नंबर क्वेश्चन ऐसे है आप लोगों के सामने, टू चार्जेस हैं ±2 μC है, एक प्लस टू एक है −2 μC आर प्लेस्ड एट 6 cm, मतलब डाइपोल बना रहा है, 6 cm के दूरी पर रखा गया है दोनों अपार्ट, दो आवेश जिनका मान प्लस माइनस 2 μC है एक दूसरे से 6 cm के दूरी पर रखा गया है, हिंदी में बोलेंगे, पहला सम विभव पृष्ठ निकालें, आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ निकालें, दूसरा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, सतह के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दिया है हमारा माइनस क्यू दिया है, अच्छा प्लस क्यू पहले ले लो और ये है हमारा माइनस क्यू है, दोनों एक 2 μC है, ये है 2 μC, ये है 2 μC, ये भी माइनस में दिया हुआ है। तो बच्चों आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल जहां पे पोटेंशियल सेम होगा तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पे एग्जिस्ट करेगा, याद आ रहा है ना आप लोगों को, यहां दोनों के बीच की दूरी है 6 cm ठीक है,
तो दोनों का कंबाइंड रूप से इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए कंबाइंड रूप से। एक रहता तो एक का तो हर एक स्फेरिकल होता है, ओ स्फीयर होगा, ओ स्फीयर होगा, याद आ रहा है आप लोग कंसेप्ट। दोनों जब सिस्टम हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम, ऑफ सरफेस ऑफ सिस्टम आ गया। अब दोनों को एक साथ सोचना है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमारा भी का मान पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो यानी ये प्लस ये जीरो, ठीक है। तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो एकदम सेंटर पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा इसका हमारा 3 सेंटीमीटर पे लेके आएंगे, 3 सेंटीमीटर दूरी पे, तो जितना इसका पोटेंशियल होगा प्लस में उतना ही होगा माइनस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस वन इज आवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारा यहाँ पे एक प्लेन बनेगा, प्लेन ऐसे प्लेन बनेगा। सपोज अगर हम यहाँ पे एक कागज़ रख देते हैं, यहाँ पे एक कागज़ रख देते हैं बच्चों, ये तो ये प्लेन हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ठीक है। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन बनेगा। द फर्स्ट आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, द फर्स्ट का आंसर होगा इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी का मध्य बिंदु होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ए बी का मध्य बिंदु होगा, एकदम सेंटर पे होगा। इसका प्लस इसका माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। सेकेंड बात कह रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ए से बी की तरफ होगा, नॉर्मल होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा कोई भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, परपेंडिकुलर होगा, तो इस पॉइंट पे इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉर्मल, नॉर्मल एंड टुवर्ड्स किधर होगा बच्चों, टुवर्ड्स ए बी, यानी कि ये लंबवत होगा और ए से बी की तरफ, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो प्लस से माइनस ऐसे जाते हुए रहेगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो 2.3.3 नंबर आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों 2.4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है और ये कंडक्टर स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको मैं पढ़ कर एक बार सुना देता हूँ। द डायरेक्शन अ पैरेलल प्लेट 2.4 अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलम, ठीक है। तो ये हमारा ये स्फीयर है, इस पर चार्ज ये दिया हुआ है, रेडियस ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट या फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड करना है, ई फाइंड करना है, कहाँ पे, इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के अंदर या इनसाइड स्फीयर, दूसरा आउटसाइड जस्ट इसके आउटसाइड यानी कि बाउंड्री पर, तीसरा एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ कि कोई भी स्फीयर होगा, कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो फर्स्ट का आंसर तो आसान है, ई इक्वल टू जीरो फर्स्ट। सेकेंड वाला हमारा क्या होगा, जस्ट बाउंड्री पर निकलना है, तो आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि बाउंड्री पर जो होता है हमारा क्या होता है, ई बराबर होता है के क्यू बट्टा आर, जो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण होता है वहीं बाउंड्री पर भी होता है बच्चों। तो के 9 × 10⁹ क्यू है 1.6 × 10⁻¹ अपॉन आर है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻², के ई है तो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये हम लोग काट कूट करेंगे, तो यहाँ से ये एक उड़ाते हैं तो अपना नीचे एक 10, तो बच्चा था 9 × 16 = 144, ये हो गया 10⁻⁹-7, ये 9 − 7 12 का स्क्वायर हो गया 144 × 10⁻⁴ इंटू 10, ठीक है बच्चों। तो ये गेट कैंसल, अगेन ऊपर लेके जाते हैं तो ये बच गया हमारा 10⁻⁹, 9 में से 7 गया तो कितना हो गया 2, और इसमें से एक गेट कैंसिल, एक कैंसिल हो गया तो +3 ऊपर जाएगा तो +3, तो ये हो गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम। पहला आंसर, दूसरा आंसर आया 10⁵ न्यूटन पर कूलम। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कर रहा है, 18 सेंटीमीटर कर रहा है, 18 सेंटीमीटर दूर, यही फॉर्मूला लगेगा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 9 × 10⁹ क्यू 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन आर 18 × 10⁻², का होल स्क्वायर, फिर वही काम होगा,
ये फिर होगा 16 × 9 = 144, ठीक है बच्चों। एंड ये हो गया × 10⁻⁹ − 9 − 7 + 2, नीचे हो गया 324, 18 का स्क्वायर हो गया 324, 10 का स्क्वायर हो गया 10⁻⁴ × 10, एक 10 से एक 10 को काट देते हैं तो क्या बचेगा ऊपर, बचेगा हमारा 1440/324 ये 10 इसके साथ आ गया 10⁴, इसको काटेंगे तो बच्चों आएगा 4.3 × 12, 4.4 के आसपास में आएगा × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, वो तो क्या 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है काट लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा एक बार। चलो बच्चों 2.5 और रियल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको खूब कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग सी बराबर 8 pF, कब, जब एयर है तब, जब एयर है तब, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाओ सॉल्यूशन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिकम हाफ, अब कैपेसिटेंस क्या होगा जब उसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, एंड स्पेस इज फिल्ड बाय एनी सब्सटेंस, पहले हमारा एयर भरा जा रहा था, पहले था एयर तो कैपेसिटेंस 8 pF था, अब क्या होगा जब दोनों के बीच का सब्सटेंस रख दिया जाएगा जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 तब, ठीक है। ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया बच्चों, जब एयर है इसमें, एयर है यहाँ पे प्लस ये माइनस, जब एयर है तब इसका सी था हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, याद आ रहा है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एयर का परमिटिविटी, तो इसको बोलते हैं इस, ये हमारा दिया है 8 pF दिया है, पीको मतलब 10⁻¹2, अब कह रहा है कि अब क्या होगा जब यहाँ पे एयर नहीं दूसरा कोई सब्सटेंस डाल दिया जाता है, कोई सब्सटेंस डाल दिया जाता है जिसका के का वैल्यू क्या है 6 है, के का वैल्यू 6 दिया है, ठीक है तब सी क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है। पहले एयर था तो ये था, हाँ हाँ एक और चीज़, पहले ये डी डी था, अब हमारा डी हो जा रहा है, इसके बीच की दूरी हो जा रहा है d/2, अब हमारा कैपेसिटेंस निकालना है, यानी कि अंदर का मटेरियल भी रिप्लेस कर दिया गया, एयर को रिप्लेस कर दिया कोई सब्सटेंस से और डी को भी हाफ कर दिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ये दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि सी बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एयर था तो एप्सिलॉन नॉट, एयर नहीं है तो एप्सिलॉन, ठीक है। और के इक्वल टू जानते हैं कि के इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, सो एप्सिलॉन इक्वल टू के इनटू एप्सिलॉन नॉट, सो के इनटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, और ये डी क्या हो गया हमारा डी अपॉन टू, ये डी अपॉन टू, ठीक है बच्चों। ये ऊपर चला जाएगा, के का वैल्यू रखते हैं तो 2k कॉमन कर दिए, 2 चला जाएगा ऊपर, ऐसे रोटेट होगा 2 पर 2 × k, तो ये बच जाएगा एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका वैल्यू तो दिया है 8 pF, देखिए यहाँ पे तो 2 × k हो गया 6 और ये हुआ 8 pF, 12 × 96 pF, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। एक बार और देखिए, पहले एयर था तो ये फॉर्मूला था 8 pF था, कोई दिक्कत नहीं है, एयर को हटा के कोई सब्सटेंस रख दिया गया, कोई डायलेक्ट्रिक रख दिया गया है, डायलेक्ट्रिक जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू है 6, डी को भी छोटा कर दिया, हाफ कर दिया गया, तो अब सी हमारा एयर को जब रिप्लेस करेंगे कहीं भी कूलम्ब्स लॉ में या कहीं भी, एयर इज रिप्लेस बाय एनीथिंग, द एयर वहाँ पर परमिटिविटी क्या होता है किसी मटेरियल का एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बाय इनटू ए बाय डी बाय टू, हम जानते हैं कि के इक्वल टू क्या होता है रेशियो, या इसके को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू k × ε₀ ए बाय डी बाय टू, ये 2 पर गया, k को कॉमन किए, k और 2 कॉमन, तो एप्सिलॉन ए बाय डी हो गया, इसका वैल्यू तो दिया है ना 8 pF यहाँ रख दिए, तो ये हुआ हमारा 2.5 का सॉल्यूशन हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2.6 बच्चों देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया, या 3 कैपेसिटर दिया, पैरेलल प्लेट नहीं भी हो कैपेसिटर है, सिंबल यहीं रहेगा, तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज का यही कॉम्बिनेशन होता है प्लस माइनस,
माइनस प्लस है, फिर माइनस प्लस है, ये हो गया सीरीज में। सीरीज में क्या सेम होता है, तो चार्ज बाजू सेम होता है, चार्ज सीरीज में सेम, पैरल में वोल्टेज सेम, ठीक है। कैपेसिटर में याद रखिए सीरीज में चार्ज सेम और रेजिस्टर में सीरीज में करंट सेम, तो यहाँ पे चार्ज यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, ठीक है। पोटेंशियल वोल्टेज यहाँ पे वी वन, यहाँ पे वी टू, यहाँ वी थ्री, यहाँ का सी वन कैपेसिटेंस, यहाँ का सी टू, यहाँ सी थ्री, ठीक है। और इसको कितने बैटरी से जोड़ा गया था, 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड टोटल कैपेसिटेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच। तो पहला पूरा कुल संधारित्र फाइंड करने को बोला है, कुल संधारित्र क्या होगा और विभवांतर क्या होगा सभी में। तो चलते हैं ए को, हम जानते हैं कि जब सीरीज में रहता है तो क्या होता है, वन बाई सी एस, सीरीज का इक्विवेलेंट, वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। तो वन बाई सी एस, वन बाई कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, तीनों का कैपेसिटेंस है 2.6 का, 9 पिको फराड दिया है। अच्छा तीनों इक्वल दिया है, तीनों इक्वल ही दिया है, 9 पिको फराड ही दिया है, तीनों हमारा 9 पिको फराड। C1 बराबर C2 बराबर C3, ये है 9 पिको फराड दिया, ठीक है। तो 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9, तो ये हो गया 3 बाई 9 पिको फराड, यानी कि 1 बाई 3। तो 1 बाई सी एस इजकल टू हो गया 1 बाई 3 पिको फराड, देन सी एस इजकल टू सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 3 पिको फराड हुआ। ये हुआ बच्चों हमारा आंसर फर्स्ट का। तीन सीरीज में जोड़े थे कैपेसिटेंस में वैल्यू घट जाता है। सेकेंड आ जाइए पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच, सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सी इजकल टू क्या होता है बच्चों, सी इजकल टू क्यू बटा वी, तब वी इजकल टू क्या हो जाएगा क्यू बटा सी, तो वी वन इजकल टू हो जाएगा क्यू बटा सी वन। क्यू हमारा कितना है नहीं पता, चलो पहले क्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों, क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि C इजकल टू क्यू बटा भी, तो Q इजकल टू C इंटू भी, तो कौन सा सीरीज का तीनों का कंबाइन करके आया सी एस, आई इंटू भी हमको दिया है कितना, हाँ 120, तो ये आया 3 पीको फराड इंटू 120, ठीक है। अब आ जाओ हमारा क्या चाहिए, भी वन चाहिए, तो भी वन इजकल टू क्यू बटा सी वन, तो क्यू हमको आ गया 3 पिको फराड इंटू 120, अब बटा सी वन कितना है, सी वन सी वन 9 पिको फराड, 9 पिको फराड, 9 पिको फराड, 3 पिको फराड बाई 9 पिको, 3 फोर जा, तो ये हो गया 40, तो वी वन इजकल टू हो गया बच्चों 40 वोल्ट, वी वन 40, तो क्योंकि ये भी हमारा उतना ही है, ये भी उतना है, तो वी वन हमारा 40, तो वी टू भी हो जाएगा 40 और वी थ्री भी हो जाएगा 40। इस केस में आ रहा है क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है तभी आ रहा है 40 40, अगर अलग अलग रहता तो हमारा 40 40 नहीं आता, इस बात को जानिए। तो हमारा आ रहा है तीनों 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट, तो ये मिलकर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2.6। अब आके रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन बचते हैं, इसमें 11 ही क्वेश्चन है, अगला वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं, तो बने रही हमारे क्लास के साथ।